हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से हाजिर हैं कृष्णास गार्डनिंग चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। और आज हम करेंगे मिलकर हार्वेस्ट फ्रेंच बीन्स। और हार्वेस्ट करते करते अपन करेंगे बातें। बातें किस तरह की? बिल्कुल इसी की, क्योंकि ज़्यादातर जो है मेरे पास कमेंट्स जो है मेरे फ्रेंड्स के एक दो आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि इसमें फलियां जो है वो बड़ी साइज़ की नहीं आ रही हैं, हेल्दी नहीं आ रही हैं, पत्ते ख़राब हो रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं, पेल इतनी अच्छी नहीं है। तो बिल्कुल मैंने सोचा कि चलिए आपके लिए एक वीडियो बना ही देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो फ्रेंच बीन्स है इसे आप बिल्कुल सीड से ग्रो कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, ये होते हैं इसके सीड। जो फ्रेंच बीन्स होती है उसको पेड़ में ही सुखा लेते हैं हम, और इसको हमें पेड़ में ही सुखाना है, बेल में ही। और इसके बाद ये फली देखिए आप कितनी लंबी कितनी बड़ी है। तो मैंने बस अगले साल ग्रो करने के लिए जो है इसे सुखा लिया था। तो अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसके बीज कैसे होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे होते हैं इसके सीड, दिख रहे हैं ना आपको? और ये बिल्कुल मैच्योर सीड हैं, पके हुए हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा बेल में ही आप इसको सुखा लीजिए। तो एक ही फली इनफ है हमें नेक्स्ट सीजन के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हैं सीड, सोयाबीन के जैसे इसके जो है नजर आते हैं बीन्स के, और काफ़ी मैच्योर सीड है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप इसको तोड़ के और फिर ना सुखाएं, ये पेड़ में अपने आप सूखने चाहिए, तब जाकर ये मैच्योर बीज बनते हैं और बहुत अच्छी अगले साल आपको इसकी फ्रूटिंग होती है। तो पहली ज़रूरी चीज़ बीज हो गई, जो हमें बिल्कुल मस्ट चाहिए चाहिए, इसके बगैर हम शुरुआत ही नहीं कर सकते। दूसरी जो चीज़ है जो हमें चाहिए इसके बाद, वो है पॉट। बिल्कुल, तो बात करते हैं इसके पॉट साइज की। इसका जो पॉट है वो दोस्तों आप कैसे भी पॉट में लगा सकते हैं, मतलब कम से कम जो पॉट साइज होनी चाहिए वो इसकी होनी चाहिए कम से कम 12 इंच, 12 इंच, उसके बाद 16 इंच, 18 इंच, 22 इंच, आप मर्जी जाए, जितनी आपकी मर्जी हो उतनी आप बढ़ा सकते हैं। आप इसे प्लास्टिक पॉट में लगाइए, चाहे मिट्टी के पॉट में लगाइए, चाहे सीमेंटेड पॉट में लगाइए, कहीं किसी भी पॉट में आप इसे लगा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट जो मैं आपको एडवाइस दूंगी वो है मिट्टी का पॉट। मिट्टी का गमला लाइए आप, उसे में क्या है मॉइस्चर बना रहता है, इसको हवा भी पास होती रहती है और ये उसमें बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी साइज़ का, लेकिन अगर आपने छोटे ज़्यादा छोटे साइज़ का पॉट लिया तो उसमें दिक्कत ये होती है कि फ्रूटिंग जो है वो बहुत कम होती है, और आपने जितना बड़ा पॉट लिया तो इसका मतलब फ्रूटिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। और मैंने जो ये पॉट ले रखा है, मैंने ग्राउंड में, आप इसे ग्राउंड में भी लगा सकते हैं, मेरे पास है, लेकिन मैंने नहीं लगाया क्योंकि वहाँ जो है इतनी ज़्यादा धूप नहीं आती है जितनी इसको चाहिए। तो दूसरी चीज़ ये हो गई पॉट। अब तीसरी चीज़ हम बात करते हैं इसको किस तरह की सॉइल में लगाएं। तो फ्रेंड्स, आप इसको किसी भी तरह की सॉइल में लगा लीजिए, बिल्कुल किसी भी तरह की, जो भी आपके एरिया में अवेलेबल है। बस वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, पॉट में होल अच्छे से होना चाहिए, पानी का निकास होना चाहिए, और दूसरा मॉइस्चर तो इसको हमेशा चाहिए। इसकी जो सॉइल है वो ऑलवेज हल्की सी गीली रहनी चाहिए, ज़्यादा नहीं कि बिल्कुल सड़ रहा हो, हल्की सी गीली इसको ऑलवेज चाहिए, तो ये अच्छे से ग्रो करता है। तो ये हो गई सॉइल के बाद, कोई भी पर्टिकुलर सॉइल इसको नहीं, किसी भी तरह की सॉइल में आप इसे लगा सकते हैं, तो ये बहुत ही इजी है अपने लिए। अब बात करते हैं खाद की। तो दोस्तों, जब आप इसकी सॉइल रेडी करते हैं तो उस वक्त आप इसमें कंपोस्ट जो है वो डाल के और फिर रेडी कीजिए, सीड ग्रो कीजिए। और उसके बाद जब ये बेल फूलों पे आ जाए, मतलब कि जब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए, तब आप इसमें गोबर का खाद और कंपोस्ट फिर से एक खट्टा बराबर मात्रा में मिला के दोनों चीज़ें, और फिर आप इसमें
डाल दें, तो इससे होगा क्या कि आपकी फलियों की साइज़ भी बढ़ेगी, फूल भी ज़्यादा आएंगे और आपकी जो बेल है उसमें ग्लो आएगा, वो बहुत अच्छे से हेल्दी नज़र आएगी और सच मानिए बहुत ज़्यादा फलियाँ आएंगी। तो ये दो चीज़, बस दो चीज़ ही आप इसे दीजिए। केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल यूज़ नहीं कीजिएगा, सिर्फ ऑर्गेनिक ही यूज़ कीजिएगा जैसे कि मैं करती हूँ, और आप देख ही रहे हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से ही कितनी अच्छी तरीके से इसमें फल लगे हुए हैं। मेरी जो पॉट की साइज़ है वो करीब करीब 18 इंच का है, तो बहुत 18 इंच में आप देख सकते हैं ये। और अकेला नहीं है ये, इसमें नींबू का जो अपना चाइनीज़ ऑरेंज होता है वो भी इसमें लगा हुआ है, तो दोनों साथ में खूब अच्छे से एडजस्ट किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है बिल्कुल। और ये मेरे बच्चों का काम है, आप देख लीजिए, उन्हें खेलने के लिए यही पॉट पसंद आता है, बस जब चाहे जब इसी पॉट में आते हैं यहीं खेलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे भी खुश पेड़ भी खुश। तो ये देखिए इसमें चाइनीज़ ऑरेंज भी थोड़े से लगे हुए हैं, और ये मैंने अपने घर के एंट्रेंस के पास लगाया हुआ है, तो गेट में से एंटर करते ही बहुत ही अच्छा लुक आपको ग्रीनरी देखने को मिलती है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बेल। और आप इसे ग्रो किस सीजन में कर सकते हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ। आप इसे साल भर आप किसी भी सीजन में आप इसे ग्रो कर दीजिए, कोई पर्टिकुलर वो टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी जब बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं वो आप साल में 3 बार इसे ग्रो करें, यानी कि फरवरी मार्च जून जुलाई और अक्टूबर नवंबर, तो बिल्कुल अभी सीजन है आप इसे ग्रो कर सकते हैं। तो आप बस इस चीज़ का ध्यान रख लीजिए, फरवरी मार्च जून जुलाई अक्टूबर नवंबर, इन 3 सीजन में आपने ग्रो किया तो बिल्कुल साल भर आपके ये फलियां रहने वाली हैं घर में, और जब चाहे जब आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, भरपूर आपको इससे सब्जी मिलेगी। अब बात करते हैं इसकी सनलाइट, तो सनलाइट के बारे में अगर मैं बात कहूँ तो ये सनलाइट इसको पसंद है, काफ़ी पसंद है, लेकिन अगर आपके नहीं आती है इतनी ज़्यादा धूप, और जिस जगह पे मैंने इसे रखा हुआ है वहाँ इसे मिलती है करीब करीब बस 3 घंटे की धूप भी मुश्किल से मिलती होगी, बस इतना इसको चाहिए, इतना तो मिनिमम है। और अगर आपने बिल्कुल शेडी एरिया में अगर इसको रख दिया तो फिर ये हेल्दी तो बहुत रहेगी, लेकिन जो फ्रूट हैं वो इसमें डेवलप नहीं हो पाएंगे, या फिर फूल जो हैं इसके वो झड़ जाएंगे। तो सनलाइट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, और अगर हाँ आप इसको फुल सनलाइट में रखना चाहते हो तो वहाँ पर भी रख सकते हो, लेकिन जून जुलाई में जो भयंकर गर्मी आती हैं तो उस वक्त जो है इसके पत्ते वगैरह फ्रूट्स वगैरह जो बर्न हो जाएंगे, इसलिए आप इसको सुबह सुबह की जो धूप आती है जून जुलाई में वो दिखाएं। सर्दियों में आप इसको फुल सनलाइट में पूरे दिन भर के लिए रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इसके पानी की, पानी इसको कितना चाहिए। दोस्तों पानी देने की तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं करें, क्योंकि जब इसको पानी की रिक्वायरमेंट होगी ये खुद आपसे बोल देगी। बिल्कुल ये इतना प्यारा प्लांट है, मुझे इतना अच्छा लगता है कि ये खुद ब खुद मुझे बता देती है कि इसे कब पानी की रिक्वायरमेंट है। तो वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि जब भी इसको पानी की रिक्वायरमेंट होगी इसके जो पत्ते हैं वो थोड़े से लटक जाएंगे, मतलब के मुरझा जाएंगे, हल्के से मुरझा जाने से ही मुझे पता चल जाता है, और फिर मैं इसमें पानी दे देती हूँ। जब मैं इसमें पानी देती हूँ उस वक्त भरपूर देती हूँ, एक साथ पूरा पॉट जो है वो अच्छे से भर जाता है, नीचे तक इसके पानी पहुँच जाता है, ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा रहता है तो सारा पानी निकल जाता है। उसके बाद तुरंत इस बेल में उसका फ़र्क जो है वो दिखने लगता है, तो बस इस टिप को याद रखिए, और जब भी इसको पानी की ज़रूरत हो आप पानी दे दीजिए। लेकिन फिर भी बेसिकली जो मोटा मोटा आइडिया है वो मैं अगर आपको दूँ तो ये है कि जून जुलाई जो गर्मियों का सीज़न होता है उसमें कम से कम 2 बार इसको पानी चाहिए, और सर्दियों में तो फिर आप इसको देख के पानी दें कि अगर इसकी पहले से सॉइल गीली है तो आप ना दें, और अगर सॉइल जो है इसकी सूखी हुई है और पत्ते मुरझा रहे हैं तो आप उसी वक्त पानी दे दें। सर्दियों का तो ये है, गर्मियों की एक बात चौक और याद रखनी है आपको, वो ये है कि कभी भी जो भयंकर दोपहरी होती है आफ्टरनून वाला टाइम,
उसमें कभी भी पानी ना दें अपने प्लांट को, या तो इवनिंग में दें या फिर मॉर्निंग में दें, क्योंकि उस वक्त पॉट भी गर्म होता है, सॉइल भी गर्म होती है और पानी भी गर्म होता है, तो बिल्कुल हमारा पेड़ जो है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। ना केवल मैं इस बेल के बारे में बता रही हूँ, बल्कि मैं जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सब में पानी देने के लिए ये बात बता रही हूँ, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और देखिए, बातों ही बातों में हमारी सारी सब्जी हार्वेस्ट हो गई है और पता ही नहीं चला। तो थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। और अब बस आप इसको पनीर के साथ, आलू के साथ, शिमला मिर्च के साथ, किसी भी तरह से आप बना सकते हैं, तो इट्स डिपेंड ऑन यू। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन दबाते रहना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलता है, बेल आइकन भी दबानी पड़ती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।